नमस्कार दोस्तों, कहते हैं किसी इंसान की पूरी शख्सियत उसके द्वारा बोले गए शब्दों में झलकती है। इरफान भाई के बारे में कुछ बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम उस खत की कुछ लाइनों पर गौर करें जो लंदन के अस्पताल में इलाज करवाने के दौरान 19 जून 2018 को खुद इरफान ने शेयर किया था। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज मंद गति से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थीं। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ थपथपाई, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज़ उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया, ना मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी स्टॉप पर आपको उतरना होगा, आपका गंतव्य आ रहा है। दोस्तों, शब्दों और भावनाओं का, प्रतीकों का ऐसा सुंदर इस्तेमाल कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। इतनी गहराई समझ रखने वाले इरफान निश्चित रूप से साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर परंपराओं से विद्रोह किया, उसकी कीमत चुकाई, फिर भी सफल रहे। चाहे वो बचपन के दिन हों जहाँ पारिवारिक परंपराएं उन्हें अजीब लगती थीं, युवावस्था में कैरियर का चुनाव हो, या बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान स्थापित प्रतिमानों के खिलाफ विद्रोह हो, अपने निर्णय लिए, उन पर डटे और सफलता के नए प्रतिमानों का निर्माण किया। इतनी ऊंचाइयों को पाया कि बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी अपनी खास जगह बनाई। अभिनय के पारंपरिक प्रतिमान, जैसा कि आप जानते हैं, हीरो बनने के लिए चॉकलेटी पर्सनैलिटी की मांग होती है। अभिनय के भी कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं, लाउड डायलॉग डिलीवरी, थिएटर नुमा बॉडी लैंग्वेज, कुछ फिक्स लटके झटके जो सफलता की गारंटी माने जाते हैं। सबसे संघर्ष किया, विद्रोह किया और सफलता प्राप्त की। जाते जाते भी वो देश और समाज के कठमुल्ली परंपराओं और संकीर्ण सोच वालों तथाकथित प्रगतिशील चेहरों से उनका नकाब नोच कर गए हैं। इतने जोर का तमाचा मार कर गए हैं कि उसकी गूंज लंबे समय तक ऐसे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने नोटिस किया कि प्रसार माध्यमों में, सोशल मीडिया में व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों ने उनके जाने पर दुख प्रकट किया? किसी ने भी नहीं पूछा कि उनका धर्म क्या था। सभी ने उनकी इंसानियत और काबिलियत की तारीफ की और उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है उसके लिए आंसू बहाए। मुझे कहते हुए गर्व है कि उन्हें मिस करने वालों में 90% लोग हिंदू थे। ऐसे मौके पर जिन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाई या खुशी मनाई वो कौन थे, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, मुसलमान भयभीत हैं, जो ये देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ऐसा जहर फैलाने वाले सपोले आंखें खोलकर देख लें, कान खोलकर सुन लें, और अगर हो दिमाग तो उसे भी खोलकर समझ लें। एक बार फिर से सिद्ध होता है कि इस समाज में इंसान की पहचान उसके धर्म या संप्रदाय से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है, उसके विचारों से होती है, उसके कामों से होती है। हमारी संस्कृति हमेशा से इंसानियत के साथ रही है और आगे भी रहेगी। हैवानियत के साथ न कभी दिया है और न कभी देंगे। जाओ इरफान, धर्मों समाजों की संकुचित सोचों से भरी कठपुतली दुनिया वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं थी। तुम अपनी अच्छाइयों के साथ हमारे दिलों पर हमेशा राज करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो विचार मैंने बताए हैं वो आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।